हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देन एक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। आज के वीडियो में मैं एक होममेड सोप बनाने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मेरा फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है वेदा ऑयल्स का गॉट मिल्क सोप बेस। ये एक केमिकल फ्री सोप बेस है और अगर हम होममेड बना रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम जो सोप बेस ले रहे हैं वो केमिकल फ्री हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो। सेकंड इंग्रेडिएंट मेरा है रोज़ पाउडर जो कि मैंने घर में बनाया था, इसका वीडियो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी। फिर मैंने लिया है कलर, ये भी वेदा ऑयल का है, मैंने पर्पल कलर लिया है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले सोप बेस लेना है। आप जितना बड़ा साबुन बनाना चाहते हैं उतना सोप बेस आप ले सकते हैं और फिर आपको इसे मेल्ट करना है। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में। आपको एक बर्तन में गर्म पानी करना है, उसमें ये सोप बेस वाला बर्तन रख देना है और फिर ये मेल्ट हो जाएगा। आपको डायरेक्ट हीट नहीं देनी है। और फिर इसके बाद हम रोज़ पाउडर लेंगे। रोज़ पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने रोज़ पाउडर से रिलेटेड बहुत से वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब जिनमें मैंने रोज़ पाउडर का यूज़ किया है। तो आपको एक चम्मच रोज़ पाउडर लेना है और कलर लेना है थोड़ा सा। फिर मेल्ट करने के बाद आपको ये दोनों इंग्रेडिएंट इसमें मिला देने हैं। इसके बाद आपको एक कंटेनर लेना है और उस कंटेनर में आप इसे भर के रख दें। आप सिलिकन मोल्ड ले सकते हैं या फिर आप कोई डिस्पोजल वाले ग्लास आते हैं वो ले सकते हैं, उनमें भी अच्छे से बन जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सोप बेस और जो मैंने कलर लिया है वेदा ऑयल्स का, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।